नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की विज्ञान के बारे में। तो अभी तक हम लोग 8 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 9वां चैप्टर है, मृदा मिट्टी। मृदा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है आपकी मिट्टी। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि हम सभी का भोजन, कपड़ा, आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। बात करते हैं मृदा जीवन से भरपूर कैसे। वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूजो ने मृदा में से एक केंचुए को बाहर आते देखा। पहेली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं, आइए हम इसका भी पता लगा दें। क्रियाकलाप 9.1। विभिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए, उनको ध्यानपूर्वक देखिए। आपको ये नहीं करना है, बस पढ़ के निकल जाना है, ठीक है? याद रखिए, कहीं प्रयोगशाला में बैठ गए तो सालों इसी में गुजार दोगे। जिनके लिए ये बुक्स लिखी गई है उन्हीं को ये प्रयोगशाला में जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन्हें करने की इजाजत होती है। इसके लिए आप हैंड लेंस, आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक नमूने का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर अपने प्रेक्षण को सारणी 9.1 में लिखिए। अपने प्रेक्षणों के बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। क्या आपके मित्रों द्वारा एकत्रित किए गए नमूने आपके द्वारा एकत्रित किए गए नमूनों जैसे ही हैं? बूजो और पहेली ने अनेक प्रकार से मृदा का उपयोग किया। उन्हें उसमें खेलना पसंद है या वाकई बहुत मनोरंजक है। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, इसे एक कहानी की तरह पढ़िए। लास्ट में निष्कर्ष बता दिया जाता है, जो मेन निष्कर्ष होता है वो लास्ट में बता दिया जाता है। तो इसे एक बार सुनिए, बीच में सुनते समय बिल्कुल डिस्टर्ब मत हुई, धैर्य के साथ बैठकर सुनिए। पॉलीथीन की थैलियां और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियां और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ रासायनिक तथा पीड़क नाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़क नाशी का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। मृदा परिच्छेदिका प्रोफाइल। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। यह जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं, निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। थोड़ी सी मृदा लीजिए, ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना लें। अब 3/4 जल से भरा कांच एक गिलास लीजिए, उसमें मुट्ठी भर मृदा मिला दीजिए। इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाइए जिससे मृदा पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए। कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ह्यूमस, जल, मृतिका, बालू और बजरी, ये आपकी मृदा की परतें हैं। क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न अमाप साइज के कणों की परतें दिखाई देती हैं? इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई देते हैं? मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ही आपके ह्यूमस कहलाते हैं। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों यानी कि चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह विक्रम आपका अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिससे इनका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगती है। याद रखिए, आपको इस तरह के पॉइंट पकड़ना है जब भी पढ़ेंगे आप लोग,
इस तरह के पॉइंट पकड़ लिया करिएगा, जैसे अपचय किसे कहते हैं, ह्यूमस किसे कहते हैं, यही पढ़ के निकल जाना है, तो आपके लिए यही जरूरी है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श रंग गहराई रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती हैं। देखिए ए संस्तर स्थिति, बी सी, ये आपका आधार सेल। हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी शीर्ष परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परतों को नहीं। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई दे। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान के मृदा परिच्छेदिका का निरीक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। यह पर सामान्यतः मृदु सरन और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छचंद्रों और भृंगुओं जैसी अनेक जीवों को आवास यानी कि आश्रय प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा से में रहती हैं। शीर्ष मृदा के नीचे की परत ह्यूमस कम होती है लेकिन खनिज इसमें अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सहंत यानी कि घनी होती है। बी संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। फिर आपकी तीसरी परत सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और बिंदरों युक्त सेलों के छोटे ढीलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार सेल होती है जो कठोर होती है आपकी। इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। बात करते हैं मृदा के प्रकार क्या है, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेलों के अपचय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू, चिकनी मिट्टी, क्ले सम्मिलित हैं। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी के अनुपात उस मूल सेल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने हैं। सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे आपके बैक्टीरिया हो गया, पादप मूल केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं, बलुई मृदा। अगर मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होगा, अधिक मात्रा में भी, तो उसे आप लोग बलुई मृदा कहते हैं। यदि बारीक या सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होगा तो उसे मिन्नमय मृदा कहते हैं। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान हो, बराबर हो, तो इसे आप लोग दोमटी मृदा कह सकते हैं। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दोमटी, मिन्नमय के रूप में किया जा सकता है। मृदा के कणों के आमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते अतः इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होते हैं। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थान से जल की निकासी तेजी से हो जाती है अतः बलुई मृदा हल्की, स्वादित और शुष्क होती है। मृतिका चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षाकृत अधिक जल रहता है। आपको पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट है। दोमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार की मृदा कणों का मिश्रण होती है। आपके गाद
नली तलों आधारों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का अमाप साई बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच का होता है। दोमटी मृदा में भी ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। पर्याप्त मृणमय दोमटी और बलुई मृदा के नमूने एकत्रित कीजिए। किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए। इनमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनके आदि को निकाल लीजिए। अब इसमें बूंद बूंद करके जल डालकर इसे गोंथ लीजिए। केवल इतना जल डालें कि इसमें मृदा का गोला बनाया जा सके आटे की तरह। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि यह चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा से गोला बनाने का प्रयास करें। किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल लें। इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास करें। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूनों के साथ दोहराएं। कोई मृदा किस प्रकार की है, क्या इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है उससे मनचाही आकृति बनाना कितना सुविधाजनक है। क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने, मूर्तियां आदि बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो इसमें चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी से इस तरह के सामान बनाने में आसानी होती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मृदा के गुण। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है। आइए अब मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप हम लोग करते हैं। मृदा में जल अंतःस्रावण दर बूझो और परेली ने 50 सेंटीमीटर × 50 सेंटीमीटर आमाप के दो वर्ग अंकित किए हैं, जिनमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। उन्होंने दो समान आमाप की बोतलों को पानी से भर लिया। उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाल दिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो गया। आइए इसे समझने के लिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 9.4। इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्र 3 समूह या दल में बना लें। दलों के नाम हो गए ए, बी, सी। आपको यह मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेजी से मृदा में से नीचे चल जाता है। आपको एक खोखले बेलन अथवा पाइप की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक दल समान व्यास के पाइप का उपयोग करें। ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए दिए गए सुझावों पर विचार कर सकते हैं। यदि संभव हो तो एक आम आप के 3 छोटे टिन के डिब्बे लेकर उसकी तली को काट लें। यह पीवीसी पाइप लगभग 5 सेंटीमीटर व्यास का उपलब्ध हो। इसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लें और उसका उपयोग करें इस तरह से। जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें वहां पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धसा धसा कर दें या धंस दें। पाइप में धीरे धीरे 200 ml जल डालिए। 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कर लें जब आप जल डालना आरंभ किया था। जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अंतःस्रावित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट कर लें। यह ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी ना तो छलके और ना ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल के मृदा में अंतःस्रावित होने में लगभग लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रावण दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की जा सकती है। अंतःस्रावण दर जल की मात्रा अपॉन अंतःस्रावण अवधि। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी नमूने में 200 ml जल के अंतःस्रावण में आपका 20 मिनट लगते हैं, तो अंतःस्रावण दर होगी 10 ml प्रति मिनट। आप अपने दल के द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में अंतःस्रावण की दर की गणना के लिए अपने निष्कर्षों की तुलना में अन्य दलों के मृदा के नमूनों की अंतःस्रावण दर से कीजिए। मृदा के नमूनों को अंतःस्रावण दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। फिर आपकी मृदा में नमी। क्या आप कभी ग्रीष्म काल में किसी गर्म दिन की
दोपहर में किसी खेत अथवा खुले स्थान से होकर गुजरे हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कंपदित हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है, जैसे आपके अलाव से ही उठती। ऐसा क्यों होता है? इस क्रियाकलाप द्वारा हम इसका उत्तर भी जानने का प्रयास करते हैं। एक कुथन नली लीजिए, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए। इसे कुछ समय तक किसी लौ पर या गर्म करने के लिए रख दीजिए और कुथन नली का परीक्षण कीजिए। आइए हम देखते हैं इस तरह से। देखिए क्या आपको कहीं जल की बूंदें दिखाई देती हैं? यदि हाँ तो किस स्थान पर? गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और कुथन नली के ऊपर ऊपरी भाग की अपेक्षा ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत संघन बना देती है। इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु में हमें कंपित दीप्त प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद इसे कुथन नली में से बाहर निकाल लें। इसकी तुलना में उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया हो। दोनों के बीच के अंतर को नोट कर सकते हैं। बात करते हैं मृदा द्वारा जल का अवशोषण। क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? आइए इसे भी जानने के लिए एक क्रियाकलाप दोहराते हैं। क्रियाकलाप 9.6। प्लास्टिक की एक कीप लीजिए, फिल्टर पत्र अथवा समाचार पत्र की कागज का एक टुकड़ा लें, लेकर उसे मोड़कर चित्र 9.7 के अनुसार कीप में लगा लीजिए। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तौलकर उसे कीप में लगाकर फिल्टर पत्र में डालिए। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालिए। आप इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर ना गिराकर उसे पूरी मृदा पर डालिए। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक वह रिसकर कीप से नीचे गिरना आरंभ ना कर दे। मापन सिलेंडर में बचे जल को माप कर उसे आरंभिक माप से घटा लें, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। मृदा में अवशोषण की क्षमता, मृदा का द्रव्यमान भार 50 ग्राम, मापन सिलेंडर में जल का अधिकतम ताप, अधिकतम आयतन UML, मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन VML, मृदा अवशोषण द्वारा अवशोषित जल का आयतन U से आप लोग भी घटा देंगे ML, मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान U-VG, 1 मिलीलीटर जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। अवशोषित जल का प्रतिशत इस तरह से निकल सकते हैं। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ दोहराइए। क्या आपको सभी नमूनों के लिए समान परिणाम प्राप्त होते हैं? परिणामों पर अपने मित्रों के साथ चर्चा करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। किस प्रकार की मृदा की अंतरसरवण दर सबसे अधिक है? किस प्रकार की मृदा की अंतरसरवण दर सबसे कम है? बूजों ने अपने पड़ोसी से सुना है कि वर्षा के 8 से 10 दिन बाद तालाब अथवा कुएं में जल का स्तर बढ़ जाता है। इस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रावित होकर कुएं तक पहुंचेगा। किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की मृदा सबसे कम? क्या आप कोई और विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल अंतःस्रावित होकर भौम जल तक पहुंच जाए? मृदा और फसलें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्र में मिनमय मृदा, कुछ में दुमटी मृदा और जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में आपकी बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश, आर्द्रता द्वारा मृदा की मिट्टी प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगले वाली वनस्पति फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। मिग्नमर और दोमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है।
ऐसी मृदा जल धारण क्षमता अधिक होती है। याद रखिए, जो आपकी दोमटी मृदा है और मय मृदा है, इसमें मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है, अच्छी होती है। धान के लिए मृतिका और जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दोमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिससे जल की निकासी आसानी से हो सके। कपास के लिए बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिससे जल की निकासी आसानी से हो जाती है, जो पर्याप्त परिणाम में वायु को धारण करती है। ग्राम और किलोग्राम वास्तव में द्रव्यमान के मापक मात्रक हैं। ग्राम और किलोग्राम किलोग्राम वास्तव में द्रव्यमान की मात्रक हैं। एक ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है और 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जाता है। द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, यह आप उच्च कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। गेहूं जैसी फसल महीन मिनमय मृदा में उगाई जाती है, क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वरक होती है। अपने शिक्षकों, माता पिता और अपने क्षेत्रों के किसानों से वहां की मृदा के प्रकारों, उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त है, ऐसी मृदा जिसमें अंतर समय दर अधिक हो, जिसमें याद दर कम हो। बात कर लेते हैं, यहाँ एक केस है, इसे पढ़ लेते हैं। जॉन रसीदा और राधा मध्य प्रदेश में सोहागपुर नामक स्थान के लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के घर गए। लीलाधर दादा सुराही, मटका, कुल्हड़ आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। उन तीनों ने लीलाधर दादा से उनके कार्य के विषय में बातचीत की। जॉन, आप मिट्टी कहाँ से लाए? दादा, हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते। मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? दादा, सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उसमें से कंकड़ पत्थर आदि बीन लिए जाते हैं और कंकड़ पत्थर हटा देने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। इस मिट्टी में घोड़े की लीद की कुछ मात्रा मिलाकर उसे गूंथ लिया जाता है। गूंदी हुई मिट्टी को चाक परख कर उचित मनचाह आकार दे दिया जाता है। किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बनाई वस्तुओं को 2 से 3 दिन तक सुखाने के बाद उसकी रंगाई की जाती है। शुष्क वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। रसीदा, मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है? दादा, पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद जल जाती है, जिससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। इसी कारण मटकों और सुराही में जल अंतःस्रावित होकर उसकी बाहरी सतह तक आ जाता है। वहां से यह वाष्पित हो जाता है, जिससे घड़े या सुराही में रखा जल आपका ठंडा हो जाता है। दादा ने बताया कि सोहागपुर में बनी सुराहियां और मटके दूर दूर तक आपके प्रसिद्ध है। इन्हें कुम्हार बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों। आखिर आपकी मृदा अपरदन क्या है? जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का हटना आपका अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा आपकी मिट्टी ढीली हो जाती है, इससे यह पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए। हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो इसमें मैं आप लोगों ने क्या क्या देखा है, ये प्रमुख शब्दों की परिभाषा जानने की कोशिश की है। मिनमय, ह्यूमस, दोमटी, अंतःस्रावण, आर्द्रता, बलुई, जलधारण, संस्तर स्थिति, अपरदन, मृदा परिच्छेद का और मृत्तिका। इन्हीं शब्दों की हमें परिभाषा जानने की कोशिश करनी है पूरे अध्ययन में, ठीक है? आपने क्या सीखा है? मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहां की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होती है। ये परतें संस्तर स्थिति कहलाती हैं। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है। मिनमय, दोमटी और बलुई विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःस्रावण दर भिन्न भिन्न होती है।
ज्यादातर बलुई में मृदा में सबसे अधिक होती है, और जो मिनिमम मृदा होती है उसमें सबसे कम होती है। विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। मृतिका चिकनी मिट्टी और दोमट मृदा गेहूं चना धान को उगाने के लिए उपयुक्त होती है। कपास को बलुई दोमट मिट्टी मृदा में उगाया जाता है। मृदा अपने जल को रोक सक रखती है, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहते हैं। मृदा की जल को रोक के रखने की क्षमता या जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों खिलौनों और मूर्तियों के लिए किया जाता है। ये आपके कुछ अभ्यास के क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसी में सारे हो, इसी में फायदा है। अच्छे से पढ़िए एक दो बार और निकल जाइए, क्योंकि जो हमें शब्दों की परिभाषा जाननी है उनको जान जाएंगे आप लोग एक दो बार, ठीक है। तो ये आपका 9वां अध्याय था मृदा। 10वें अध्याय में हम बात करेंगे जीवों में श्वसन आगे, जीवों में श्वसन।